नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है जहां राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय ने आजमगढ़ की इकाई को भंग कर नई कमेटी तैयार करने का आह्वान किया था। उसके निर्देश पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी दुबे ने आजमगढ़ में स्थित करतारपुर में मंजेश यादव के मकान पर प्रधान लोगों के संग एक बैठक कर आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष महेश कुमार यादव को व जिलाध्यक्ष मंजेश यादव को मनोनीत किया। साथ ही मंडल उपाध्यक्ष मनोज कुमार, मंडल महासचिव हरिवंश कुमार व जिला उपाध्यक्ष कोदई निवास निषाद, जिला महासचिव सुनील कुमार, जिला सचिव सूरज कुमार, जिला मंत्री सुनील मौर्य मनोनीत किए गए। इस मौके पर प्रदेश सचिव बीचू यादव भी मौजूद रहे। मनोनीत पदाधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारी लेते हुए ग्राम प्रधान के हित में लड़ाई को लड़ने के लिए मंडल व जिले में शीघ्र संगठन का विस्तार करने की बात कही। अपना परिचय देते हुए बताइए, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है किस तरीके से उसका निर्वहन करेंगे? हम महेश कुमार यादव मंडल अध्यक्ष, हमको जो भी जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश से और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा, हम उसको अक्षर निर्वहन करेंगे और प्रधान साथियों के साथ जो भी अन्याय पदाधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाएगा उसका हम लोग एक गठन संगठन के साथ उनकी जिम्मेदारी से उनको साथ लड़ेंगे। और हम सभी जिला के जो भी हमारे मंडल के जिला है, मऊ, आजमगढ़ और बलिया, तीनों जिला को हम लोग एक संघर्षशील प्रधान संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको निभाएंगे। किस तरीके का कार्यक्रम था और इस बैठक का क्या उद्देश्य? जी, मेरा परिचय जेपी दुबे, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण पांडे, पूर्व न्यायाधीश तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशल किशोर पांडे के निर्देश पर मैं आज आजमगढ़ में मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश तथा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करने लखनऊ से आया हूं। और हमारा संगठन प्रधान संगठन है, प्रधान संगठन मजबूत हो इसलिए मैं श्री महेश कुमार यादव जी को आजमगढ़ का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया हूं और मंगेश यादव प्रधान जी को जिला अध्यक्ष आजमगढ़ नियुक्त किया हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज में जो गरीब से लेकर सोशल से लेकर मीडियम क्वालिटी तक जो लोग हैं उनका उत्थान प्रधान संघ करता है। गरीबों से लेकर राहगीरों से लेकर चट्टी चौराहे पर पटरी खिंडी वालों से लेकर सभी की मदद ग्राम प्रधान संगठन करता है। 24 घंटा प्रधान अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कोई भी अगर 12 बजे रात फोन करता है तो तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोगों का वेतन मान अभी बहुत कम है, 3500 था, लेकिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से धरना प्रदर्शन किया। उनके आग्रह पर हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने सभी प्रधानों का वेतन 5000 कर दिया है और हम लोग चाहेंगे कि कम से कम प्रधानों का वेतन 15000 रुपया हो। यह मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री के यहाँ दे भी दिया हूँ और जल्द ही हो सकता है हम लोगों का मांग पूरी हो जाए।